Hello everyone, today I will teach you chapter 13 of class 10th NCERT Maths. The name of this chapter is Surface Area and Volume. This is our introduction video, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि हमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे, और उन फॉर्मूले की हेल्प से हम सारी एक्सरसाइज जो हैं बहुत ही इजीली कर पाएंगे. क्लियर? तो इसमें हम कुछ 3D फिगर्स की के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के. तो वो हैं आपके क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम. तो इन कुछ 3D फिगर के हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट हमारी फिगर है वो है क्यूब. ठीक है, तो क्यूब आपको जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, इस तरह की फिगर जो होती है वो आपकी क्यूब की होती है. क्लियर? तो और जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 × साइड स्क्वायर. क्लियर? तो आपकी क्यूब की ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है. तो 6 × साइड स्क्वायर जो है आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है. और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है आपका, ये जो 6 × साइड स्क्वायर है ये है टोटल सरफेस एरिया, एंड लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका 4 × साइड स्क्वायर. और लेटरल मतलब जो आपका अराउंड वाला सरफेस एरिया होता है. ठीक है, जिसमें हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट को नहीं लेते हैं, सिर्फ हम उसमें अराउंड वाले सरफेस एरिया को लेते हैं. क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब. ठीक है, साइड क्यूब हम इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है. एंड नेक्स्ट जो है आपका वो है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की देखो शेप जो है, क्यूबॉइड जो है इस तरह से होता है आपका क्यूबॉइड, जो कि आपको इसमें फिगर में शो रखा है. और उसका क्यूबॉइड का जो आपका टोटल सरफेस एरिया है उसका जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे लिखा है, से 2 × LB + BH + HL. ठीक है, ये आपका है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें जो L है वो इसकी लेंथ है, एंड H जो है वो हाइट है क्यूबॉइड की, और B जो है वो ब्रेथ है. क्लियर? एंड लैटरल सरफेस जो एरिया है क्यूबॉइड का वो है 2 × L + B × H. ठीक है बेटा. एंड थर्ड फिगर जो आपकी है वो है सिलेंडर. ठीक है, सिलेंडर जो है ये शेप होती है सिलेंडर की, आपको स्लाइड में अच्छे से शो की गई है. ठीक है, जिसमें कि ये तो आपका ये जो है ये है आपकी जो सिलेंडर का बेस है उसकी रेडियस, एंड ये है आपकी सिलेंडर की हाइट. क्लियर? और बेटा उसका जो कवर्ड सरफेस एरिया जो होता है, जो अराउंड का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 πRH, जिसमें R जो है वो बेस की रेडियस है, एंड H जो है वो हाइट है. क्लियर? एंड टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है आपका πRH + 2πR². ठीक है, इसमें आपको दोनों में क्या क्या कॉमन है, इधर पाई कॉमन आ गया, और दोनों में पाई भी कॉमन है और आर कॉमन है. पाई और आर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आपका ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगा 2πR और ब्रैकेट में H+R. तो ये आपका है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट जो फिगर आती है, नेक्स्ट जो है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपका वो है πR²H. ठीक है, R जो है रेडियस, एंड H जो है वो सिलेंडर की आपको हाइट गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोन. कोन जो है वो इस तरह से फिगर होती है लाइक बर्थडे कैप है ना, ये है आपकी कोन की कोन है ये. और कोन का जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है वो होता है आपका πRL+R.
आर जो है वो रेडियस होगी, ठीक है, और जो एल है वो आपकी स्लेंट हाइट होगी ये वाली, ठीक है, ये आपका ये है एल एंड आर जो है वो उसकी बेस की जो रेडियस है, ठीक है, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड जो नेक्स्ट जो है वो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल, ठीक है, तो ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर। नेक्स्ट जो फिगर है वो आपकी स्फीयर, स्फीयर देखो, ठीक है, इस तरह से स्फीयर होता है, 3D शेप्स हैं ये सारी, और आपका स्फीयर का जो आपका एरिया होता है सरफेस एरिया वो होता है 4πr², ठीक है, 4πr² सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एंड इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो है आपका 4/3πr³, 4/3πr³, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड नेक्स्ट है आपका हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब ये जो कंप्लीट स्फीयर था उसका हाफ, ठीक है, लाइक जैसे बोल होती है ना हमारे पास, बोल को बीच में से बिल्कुल कट कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर, ठीक है, जिसमें ये आपको आर मेंशन है, ये जो यहाँ पे शो हुई है ये है आपकी आर रेडियस, रेडियस है ना स्फीयर की, ये रेडियस है, और आपका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर वो होता है आपका 3πr², क्या होता है, 3πr², और कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है आपका 2πr², ठीक है, टोटल होता है 3πr², और आपका ये जो कर्व होता है वो होता है 2πr², ठीक है, ये आपके सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो गए। देन आपका आता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है आपका 2/3πr³, 2/3πr³, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये जो एक टॉपिक आपका लास्ट इसमें था फर्स्ट टर्म, वो आपका इस बार जो है सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो में हमने जो है ये क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर एंड आपका सिलेंडर, इन सब के जो है हमने सरफेस एरिया एंड इनकी वॉल्यूम के फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा, जिनसे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इन इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ आए होंगे। नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक, थैंक यू।